हे फ्रेंड्स, वेलकम टू बीटेक। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में जो सॉफ्टवेयर बटन होता है उसको हटा के आप सिंगल बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको पहले आपको एक पीसी चाहिए होगा, ठीक है, एक कंप्यूटर चाहिए होगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के और चलते हैं। तो दोस्तों, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ। आपको एक फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म टूल करके एक फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। आप ये फाइल वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ADB जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो ADB एप्लीकेशन है इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बेसिक सा इंस्ट्रक्शन है, यस सब कुछ यस करके आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको फ़ोन पे जाना होगा। फ़ोन पे जाके आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाके आपको सिस्टम पे जाना होगा। सिस्टम पे जाके आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। अगर आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो आप अबाउट फ़ोन पे जाइए, बिल्ड नंबर पे टैप करिए। ठीक है, मेरा ऑलरेडी डेवलपर ऑप्शन ऑन किया हुआ है, तो मेरा तो पहले से ही ऑन है। आप 3-4 बार टैप करिए तो डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आप डेवलपर ऑप्शन में जाइए, उसके बाद यहाँ पे USB डिबगिंग जो ऑप्शन है उसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, USB डिबगिंग को ऑन करने के बाद आपको एंड्रॉयड सिस्टम से ये फाइल ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, आप कर लीजिए और उसके बाद आप इस PC से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका USB डिबगिंग ऑन हो गया। अब चलिए PC की स्क्रीन पे चलते हैं। जो फोल्डर था प्लेटफॉर्म टूल करके, वहाँ पे जाके आपको उसके पहले आपको प्ले स्टोर में जाके ये नैबर जो एप्लीकेशन है ये डाउनलोड करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर में पहले जाइए, प्ले स्टोर में जाके आपको नेविगेशन जेस्चर स्वाइप करके एक एप्लीकेशन आता है XDA की तरफ से, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरा तो पहले से इंस्टॉल हुआ है तो मैं इसका ओपन कर लेता हूँ। अब जब पहली बार इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे इसको, तो आपको बहुत सारे परमिशन देना होगा, आप दे दीजिएगा उसको। उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा, ये स्क्रीन को आपको ग्रैंट करना है। जब भी ग्रैंट करेंगे यहाँ पर एक कमांड दिखाई देगा, रन दिस कमांड ऑन योर PC। आपको ये जो नीचे कमांड दिया हुआ है ये कमांड आपको PC में रन करना पड़ेगा। तो चलिए PC की स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, अब वो जो फोल्डर था प्लेटफॉर्म टूल करके, वहाँ पे जाके आपको शिफ्ट और राइट क्लिक करना पड़ेगा। शिफ्ट और राइट क्लिक करने के बाद आप देखिए पावर शेल ऑप्शन आ गया, यहाँ पे एक पावर शेल विंडो हेयर करके एक ऑप्शन आ गया, उसको क्लिक करना पड़ेगा। उसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका फ़ोन में जो कमांड आया था वो कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, मैं टाइप कर लेता हूँ दोस्तों। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये जो राइट सिक्योर सेटिंग्स वाला कमांड है उसको आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और नो बार एंड्रॉयड एक ही साथ में होगा। ठीक है, बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। आप इसको इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद आपका काम हो गया दोस्तों। ठीक है, ये देखिए आपका काम हो गया। आप यहाँ पे फ़ोन पे जाइए, आप फ़ोन पे आपको ये बार दिखाई देगा, जो बार दिखाई दे रहा है मेरे
फ़ोन पे जाइए, फ़ोन पे जाके आपको ये बार दिखाई देगा, ठीक है। इसको गॉट इट कर दीजिए और यहाँ पे जो टिक ऑप्शन है इसको टिक कर दीजिए, ठीक है। गॉट इट कर दीजिए, टिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये इंटरफेस चला आएगा, ठीक है। आप इसको पहले हाइट नेविगेशन बार ऑफ कर दीजिए, ये आपका ऑन रहेगा, पहले आप इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है, ऑफ कर दीजिए इसको। उसके बाद देखिए ऊपर में एक सेटिंग का ऑप्शन है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जेस्चर, अपीयरेंस, बिहेवियर, कंपैटिबिलिटी, बहुत सारे कुछ है। आप जेस्चर पे जाइए, जेस्चर पे जाके आपको जो कुछ करना है इसको कस्टमाइज़ करना है, जो जैसे भी आपको कस्टमाइज़ करना है कस्टमाइज़ कर लीजिए। मेरा तो टैप के होम किया हुआ है, डबल टैप से नो एक्शन है, लॉन्ग पेज से असिस्टेंट है, स्वाइप लेफ्ट से बैक है, स्वाइप राइट से रिसेंट एप्स है, ठीक है। आपको जैसे चाहिए, जैसे भी चाहिए आप खुद से कस्टमाइज कीजिए इसको, ठीक है। देख लीजिए मेरा बैक है, यहाँ पे रिसेंट एप्स है सारे, और यहाँ पे होम बटन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बटन्स था वो सारे हट गया है और एक से बार आ गया है, ठीक है। दोस्तों इसके लिए आपको फ़ोन को रूट करना भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये एक बार आ गया है, ठीक है, आपको सब कुछ दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर बटन सब नहीं है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको फ़ोन को रूट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझको पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों।